ये देखिए, आइए दोस्तों, 2 घंटे की बारिश के बाद फाइनली मौसम थोड़ा साफ लग रहा है। धूप खिली हुई है, बूंदाबांदी तो फिर भी हो रही है। देखते हैं अब आगे जाने का है। कल हमारा रेस्ट था, दिन भर बारिश थी, तो कल का जो कोटा था चलने का वो आज ख़त्म करना है, तो हम यहाँ से चल पड़ेंगे। अब 2 किलोमीटर और जाना है हमें, पहाड़ी रास्ता है, इस पर 1-2 घंटे का टाइम लग सकता है। ये देखिए दोस्तों, हम पुनिया पहुंच चुके हैं। बारिश हुई थी, हम 3 घंटा कुल चल पाए। आज 13 तारीख है और ये चारों तरफ का व्यू देखिए, थोड़ा मौसम खुल गया है अभी। बारिश तो अभी भी हो रही है। सारे दोस्त सो गए हैं, टीम की जिम्मेदारी मेरे पे होने की वजह से मैं एक्टिव हूँ। जैसे ही बारिश कम होती है ये मैं टेंट खोल के आगे को चल पड़ूँगा। आइए आप लोगों को थोड़ा दिखाता हूँ मैं चारों तरफ। और ये देखिए, और मैं अभी आपको सारे दोस्तों से मिलाऊंगा। अभी भी थोड़ी बहुत बारिश हो रही है यहाँ पे, सही तरीके से बारिश रुकी नहीं है। और ये देखिए, हम वहाँ से आए थे उस टॉप से, ये पूरे पहाड़ी पहाड़ी यहाँ से घूमते हुए, और पूरा व्यू हमने घूम दिया है। और ये देखिए चारों तरफ का नज़ारा कुछ इस तरीके से है। और ये देखिए मौसम कैसे गड़गड़ा रहा है। अभी साफ हो गया, थोड़ा फॉग हट गया है, पर बारिश बहुत हुई है, बिल्कुल टेंट लगाने की भी जगह नहीं है उसके अंदर। ये देखिए दोस्तों, जैसे ही बारिश रुक गई है, थोड़ा धूप खिल गई है, तो सारे दोस्त, हमारे ट्रैकर दोस्त तैयार हो गए हैं आगे चलने के लिए। ये देखिए, हाँ जी, आप क्या कहना चाहेंगे? पहाड़ों का मौसम ऐसा रहता है, बीच में 2 घंटा रह गया, चलो दुर्घटना हो गई थी। पहाड़ों का मौसम ये रहता है कि जितना टाइम हमें अगर चलने के लिए मिलेगा तो हमें उतना अपना सफ़र और अपना पड़ाव आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मौसम ऐसा है, अगर हम यहीं पर रहने की सोचेंगे तो हो सकता है कभी मौसम नहीं खुले और हमारे जो 4-5 देखिए दोस्तों, हमारे दोस्त कैसे फटाफट अपना टेंट क्लोज कर रहे हैं और फटाफट तैयारी कर रहे हैं यहाँ से आगे चलने के लिए। और आसपास देखिए, ये मौसम फिर बना हुआ है, नीचे से बारिश भी हो रही है। हमने आगे इधर जाना है, इधर